दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नॉलेज मॉल में आप लोगों का स्वागत है। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाय फ्रेंड्स, आज इस जीके की वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार के बारे में बताया है। मौलिक अधिकार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेसन है और मौलिक अधिकार जो मैं बता रही हूँ इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिससे रिलेटेड, उन सबके बारे में मैं बताने की कोशिश की हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार कहते किसको हैं। मौलिक अधिकार कहते हैं किसे कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किए जाते। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो हमारा अधिकार है सो है, और मौलिक अधिकार हमारे जीवन को सरल बनाती है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले बात आती है कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में जिसकी चर्चा है वो कहाँ से लिया गया है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है और इसका पूछा जाता है भाग, या भाग चुकी कितने हैं, तो इसमें भाग कौन से भाग में है ये, तो भाग 3 में है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे याद करने में कंफ्यूज करते हैं, तो मैं इसे बता देती हूँ। देखिए, मौलिक अधिकार इसका अगर हम अ लेटर लेते हैं तो अ कैसा दिखता है हमारा, 3 की तरह। ठीक है, तो यह कौन से भाग में है, भाग 3 में। अब देखिए, अ से हमारा क्या होता है, अमेरिका, यानी कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार की जो चर्चा है कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार वर्णित है। अब थोड़ा याद करने का रहा कि अनुच्छेद कैसे याद करें, तो देखिए मौलिक अधिकार सीधा याद रखिए, 1, 2, 4 बस गैपिंग, 1, 2, 3, 4 का गैपिंग है और 5, 1, 2, 3, 5, यानी कि 12 से लेकर के 35 में मौलिक अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हम लोग मौलिक अधिकार को। और मैग्ना कार्टा जो है, या पूछा जाएगा कौन से भाग में है, तो चूंकि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार को, इसीलिए यह भाग 3 में आएगा। ठीक है, मैग्ना कार्टा को अधिकार पत्र भी कहते हैं। अब आ जाइए, मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या अगर पूछी जाती है तो कितनी है, 6 है। वर्तमान में 6 है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि पहले संविधान में के मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी, उसमें से 6 यानी 1 को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जानिए कि वर्तमान में कितने हैं मौलिक अधिकार, तो 6 हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बारी बारी से इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि समता या समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक वर्णित है। तो देखिए, समता या समानता कितना हो गया, 14 से लेकर के 18 तक अनुच्छेद। ठीक है, 14 से 18 अनुच्छेद हो गया समता या समानता। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। इसे हम कैसे याद रखेंगे कि जब जो है कोई भी 18 ईयर का हो जाता है तो 19 से क्या हो जाता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। और ऐसे याद रखिए कि लड़कियां 18 के बाद स्वतंत्र हो जाती है और लड़के 21 के बाद, यानी कि लड़कियों का अगर वैवाहिक जीवन की बात किया जाए, हालांकि इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि 18 साल के बाद ही लड़कियों की शादी होती है और लड़कों के 21 के बाद, यानी कि स्वतंत्रता की बात की जाए तो 18 के बाद और 21 के बाद, यानी कि 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार याद रखिए आप, 23 से 24।
ठीक है, 23 से लेकर के 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की जब थोड़े यंग हो जाते हैं, 25 के एज हो जाते हैं, तो 25 से 28 तक क्या होता है, धर्म के बारे में भी हम लोग सोचते हैं, तो ऐसे याद रखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, 29 से 30। ऐसे याद रखिए आप इसे कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, जनरली जो फॉर्म आते हैं तो वो क्या होता है, 30 ईयर के बाद हम लोग उसमें नहीं भर सकते, लास्ट 30 ईयर्स, सब में नहीं है, जनरल फॉर्म में आता है कि आपका 30 के बाद आप नहीं भर सकते, यानी कि शिक्षा का रिलेशन कितना, 29 से 30, यानी कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 29 से 30 तक, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है आपका 32 से 35, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा भी गया है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने में वर्णित है, तो 32 से 35 में। अब आ जाइए, कहता है कि मौलिक अथवा मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का जो प्रारूप तैयार किया था वो किन्होंने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि मूल संविधान जो थे उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। तो हटाया किसे गया था, तो संपत्ति के अधिकार को। अब बात आती है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से कब हटाया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है, और फिर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे मैं बताती हूँ कि अब इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार, जिसे कि हम लोग वैधानिक अधिकार, लीगल राइट भी कहते हैं, के रूप में रखा गया है। तो याद रखिए, इसमें क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछा जाएगा, कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन, और इसी पूछा तो 1978। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि इसे जो कानूनी अधिकार रखा, मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को अब कौन सा अधिकार माना गया है, तो कौन सा अधिकार के अंतर्गत आता है, ये कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार या लीगल राइट इसे हम कह सकते हैं, और यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो 300 का कौम है, ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, जितने भी जो मतलब कि 7 थे पहले, ठीक है, अब एक को हटा दिया गया, 6 है, तो ऐसा नहीं है कि वो 6 है तो उसमें संशोधन नहीं हो सकता या किसी को हटाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, एवं राष्ट्रीय के दौरान जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अब इसमें से बात आती है कि जीवन, आप क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो जीवन का अधिकार है, ठीक है, ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, सिर्फ इस अधिकार को छोड़कर और जितने भी मौलिक अधिकार है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। अब कहता हाँ, एक चीज है कि राज्य सरकार, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किसे हृदय या आत्मा की संज्ञा दी, तो हमारा आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो चर्चा की गई है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 32, और पूछा जाएगा कितना से कितना, तो अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे, कभी होता कि भूल जाते हैं हम लोग, तो हृदय, हृदय से रिलेटेड है, ठीक है, हृदय, हृदय का क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, ठीक है, हृदय का उपचार किया जाता है, यानी कि हृदय किसे कहा गया, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को, ठीक है। तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।